वेरी वॉर्म वेलकम आई एम योर होस्टा कुमरा प्रदेश छत्तीसगढ़ से उड़ान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रो चैंसलर मिस्टर गौरव तिवारी एट योर वाइब्रेंट यू नो एनर्जी इतना बड़ा नाम है मानसरोवर ग्रुप का इन सेंट्रल इंडिया व्हाट इज स्टोरी बिहाइंड ग्रुप सो माई पेरेंट्स माय फादर ही स्टार्टेड दिस उन्नीस में और तब एक छोटा स्कूल खोला था जिसमें करीब अस्सी बच्चे थे hmm. आठ दस टीचर्स थे hmm. और uh, जो समिति हमारी जो ये मानसरोवर ग्रुप को की को ओन करती है वो श्री hmm. साई ग्राम समिति है तो ग्राम से मतलब मोटिव ही ये था कि हम ऐसे एरियाज में जो थोड़े वंचित हैं अंडर प्रिवलेज हैं वहाँ पे अच्छे क्वालिटी के एजुकेशन को पहुँचा सके, तो भोपाल का एक रूरल एड, बेल्ट कहलाता था कोला रोड वहाँ पे एक स्कूल चालू किया उस समय वहाँ पे कुछ भी नहीं था देवर मतलब हार्डली एनी पॉपुलेशन ज़्यादातर गांव वगैरह थे अब तो खैर मेन फ्रेम सिटी में आ गया है और मानसरोवर स्कूल इज गोइंग टू बी अ मेट्रो स्टेशन वेरी सुन तो वहाँ से ये कहानी चालू हुई और स्कूल के बाद फिर एक टीचर्स की दिक्कत होती थी टीचर्स तो एजुकेशन का कॉलेज खोला एक छोटा सा अस्पताल भी वहाँ पे चालू किया वहाँ पे डॉक्टर्स तो मिल जाते थे पर पैरामेडिकल स्टाफ नहीं मिलता था नर्सिंग स्टाफ नहीं मिलता था तो नर्सिंग और पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन चालू किया एंड देन वी मूव ऑन टू हेल्थ केयर एजुकेशन जिसमें नर्सिंग के बाद डेंटल आयुर्वेदा और दूसरे पैरामेडिकल बहुत सारे कोर्सेज़ हमने चालू किए एंड देन इवेंचुअली वी ओपन यूनिवर्सिटी इन टू सो

में बन गया है पूरे देश इज इज़ वेरी पॉजिटिव। एट होम एंड आई थिंक जो आप लोग बोल रहे हैं कि रियली द सो हाउ डू यू मेक योर स्टूडेंट्स ग्लोबली रेडी? इंडियन स्टूडेंट आर केपेबल्ड तो हमें एक बहुत ही प्रिपेयर्ड स्टूडेंट मिलता है उसके घर में जो कल्चर रहता है इंडियन कल्चर इज ऑलरेडी इन द द फैमिली अबाउट करेक्ट स्टूडेंट एज वेल और हम उसको स्किल्ड करते हैं mm. और जो सेंस और जो एथिक्स उसको अपने घर से मिले हैं और जो स्किल्स हमसे मिले हैं उसके साथ मुझे लगता है कि दुनिया में कहीं पे भी जाता है वो एक अच्छा काम करके दिखाता है लेकिन आजकल एक स्किल सेट भी डेवलप होता है बच्चों का साथ ही साथ क्योंकि आजकल से नंबर मार्क्स ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रही मोटर स्किल्स होती है मुझे पता है मेरे जे. काफी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो अपने बच्चों को ऐसे ऐसे स्कूल्स में भेज रहे हैं जहां पर एग्जाम्स ही नहीं होते हैं नोटबुक्स नहीं होती हैं, होता उनको है स्पोर्ट्स होते हैं उनको कहीं फार्म में जाकर उनसे कुछ सब्जियां उगवा रहे हैं और बट आई फील लाइक अ अ मोटर स्किल स्किल सेट दैट दैट स्टूडेंट्स आर डेवलपिंग हाउ डू यू लुक एट एज एन एजुकेशनिस्ट आई आई रिमेंबर व्हेन वाज इन स्कूल तो गर्मियों की छुट्टियों के बाद बड़ा दुख होता था school <laughs> I'm sure you remember that. Yes, well. absolutely. My son is in school, he's in in his first standard. Okay. And he cries when it, when it's a holiday. <laughs> he is looking forward to go to school. और स्कूल जाना उसको और पढ़ाई करना और वहां पे जो 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 ये सारी एक्टिविटीज होती हैं इसकी वजह से तो हो क्या रहा था पहले वी वर पुशिंग एजुकेशन इन बीन एबल टू क्रिएट अ पुल ये सारी जो कोकरिकुलर एक्टिविटीज हैं स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटीज हैं या वो खेत पे ले जाके मतलब एनीथिंग दैट इज एक्स्ट्रा करिकुलर इट इज इंपोर्टेंट बिकॉज इट ब्रिंग्स दी वाइब्रेंस इन एजुकेशन और जब आप शिक्षा में वाइब्रेंस को लेके आएंगे

Uh, teachers have have started uh, doing checking hmm. digitally as well. Hmm. So many gadgets been been integrated. Hmm. It's been digitalized. So, uh, बच्चे का hmm. जो उसके होराइजन है hmm. वो भी बढ़ रहे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं तो क्योंकि बिकॉज ही

और आप कितना ही आप उनके उसमें पासवर्ड्स लगा लेंगे या 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 के चैनल को बंद कर देंगे या बोलेंगे मत करो कर आजकल बच्चे सुनते तो है नहीं। या। पर योर कहते ना परवरिश वहीं तो काम आएगी। <laughs> आपको अपने बच्चों को खुद भी बताना पड़ेगा आप कब hmm. तक पासवर्ड लगाओगे बिल्कुल him, एक बच्चा जब

जब कोई प्रोसीजर होता है तो ऑपरेशन थिएटर में स्टूडेंट्स जाते हैं जी, तो वो दो साल वो कम से कम इसको देखते हैं उसके बाद फिर उनका एक इनिशियल रजिस्ट्रेशन होता है जी, और उस रजिस्ट्रेशन के बाद वो एक मिनिमल प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं वो एक साल की उनकी रोटेटरी इंटर्नशिप होती अच्छा, है अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये सारी चीजें अटैच हॉस्पिटल में होती है अच्छा। तो हेल्थ केयर वाज अ मैंडेट विद एजुकेशन बट सिंस वी वर इनटू हेल्थ केयर रिलेटेड कोर्सेस वी स्टार्टेड दीस हॉस्पिटल्स नाउ वी हैव वी आर ट्राइंग टू गेट इनटू मॉडर्न अह हेल्थ केयर एज़ वेल वी आर गेटिंग अ मेडिकल कॉलेज वेरी सुन, तो नाउ वी हैव स्टार्टेड मॉडर्न हॉस्पिटल इन भोपाल व्हिच इज 100 बेडेड एंड वी आर प्रिपेयरिंग टू स्टार्ट अनदर 600 बेडेड मॉडर्न हॉस्पिटल इन सीहोर ओ लवली

And to get that vibrance, I think music is one of the best mediums. Oh, yes, absolutely. And we appreciate it and we implement it in our campuses. We do a lot of uh, college fest. A lovely. lot of. Uh, and uh, we we have our own music festival, it's called Prakram. Hmm. So this year we had Madhur Sharma. Sometime back we had uh, Sachetan Parampara in Oh, lovely. Uh, this year again we had uh, Mame Khan in January Are, uh, in a hai. festival called Yuva Mahotsava. Superb. Um, then we had Shefali Alvarez. This was uh, three four months back. Oh, lovely! So every two three two three months we we have one some other other IP where we do something vibrant, and that is why maybe we are called the most vibrant university in Central <laughs> India. Uh, we also do a conclave called Odan Conclave. Okay. Uh, in this, we uh, invite uh, influencers. Okay and uh, entrepreneurs content Gee. creators mm. and we try to build an ecosystem for them where they can communicate with local influencers oh, con lovely. content creators of madhya pradesh nice. uh, last year we had about uh, 800 content creators and influencers in the oran conclave with a, uh, <laughs> the reach of that conclave itself was about 100 million and we were able to sure. uh, get a lot of good people we had akshay gupta uh, we had ashutosh we had uh,

वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सो थैंक यू सो मच सो मच शो पर you. आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए न्यूज एटीन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सेलिब्रिटी टॉक शो हौसलों की उड़ान पर हम इस मंच पर आपको सम्मानित करना चाहेंगे थैंक यू सो मच न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सेलिब्रिटी टॉक शो हौसलों की उड़ान का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे नए और खास मेहमान के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार स्टे सेफ स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी